9th में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ट्रायंगल। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द ट्रायंगल, किसकी बात करें हम लोग, ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल किसे बोलते हैं, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। ऐसा क्लोज फिगर जो क्या हो, बाउंडेड मतलब बंधा हुआ हो, किससे, थ्री साइड से। क्या बोला आपने, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। ऐसा क्लोज फिगर जो क्या हो, तीन साइड से है ना मिलकर बना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना। बट ये क्या होना चाहिए, हमेशा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है ना, जैसे ये क्लोज, ये क्या हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया। तो आपने क्या बोला, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। ऐसा क्लोज फिगर जो क्या हो, तीन साइड से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये इस ए बी और ए सी को ज्वाइन करने वाला पॉइंट है। ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स। तो इसका एक वर्टेक्स हो गया ए, एक वर्टेक्स हो गया बी, एक वर्टेक्स हो गया आगे पास सी। तो इसके कितने वर्टेक्स होते हैं आगे पास, थ्री है ना वर्टेक्स होते हैं, या वर्टाइसेस बोल दो, क्योंकि एक की बात करते हैं तो वर्टेक्स बोलते हैं और एक से ज्यादा की बात करते हैं है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस। तो इसके कितने वर्टाइसेस हैं, थ्री वर्टाइसेस। एक हो गया ए, एक हो गया बी, और एक क्या हो गया के पास, सी हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे देखो अगर मैं पूछूं इसकी कितनी साइड्स होती है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी कितनी साइड्स होती है, तीन साइड्स होती है, ठीक है ना। एक का नाम क्या है, ए बी, एक का नाम है बी सी, और एक का नाम सी ए या ए सी, ठीक है। कितनी साइड्स है आपके पास, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, और एक साइड है सी ए। आप चाहो इस ए बी को ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, बात एक ही है ना। बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, बी सी बोले चाहे सी बी बोले, बात एक ही है ना। और इस ए सी को ए सी बोले चाहे सी ए बोले, बात एक ही होती है ना। ऐसे पूछूं आपसे कि इसके कितने एंगल्स होते हैं, तो आप कितने एंगल होते हैं बोले, इसके थ्री एंगल्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया एंगल ए, एक क्या हो गया आपका एंगल बी, एक हो गया आपका एंगल सी, ठीक है ना। देखो इधर इस एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस एंगल ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और एंगल बी ए सी भी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, एंगल सी ए बी भी बोल सकता हूँ। इस एंगल ए को मैं कह सकता हूँ एंगल बी ए सी, या फिर कह सकता हूँ इसको एंगल सी ए बी। आप जिस भी एंगल की बात कर रहे हो है ना, उसको हमेशा क्या करोगे, मिडिल में लेके लिखोगे, ठीक है। ऐसी अगर मैं एंगल बी की बात करूँ, मुझे इस एंगल बी को लिखना है, ठीक है। देखो इस बी को मैं चाहूँ तो सिंपल एंगल बी भी बोल सकता हूँ, या फिर क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए। क्या बोल सकता हूँ मैं इस एंगल को, बोलो एंगल ए बी सी, ठीक है ना। मिडिल में आ गया बी, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल बी की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, एंगल सी बी ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इनका मतलब एक ही है, एंगल सी। अगर हम इस एंगल की बात करें, ठीक है ना, तो देखो इधर इस एंगल सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए सी बी लिख सकता हूँ, या फिर एंगल बी सी ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए फिर आगे, अब देखो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कौन सा था आपके पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखो यार अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर की, किसकी बात करें हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखो हम दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, क्या बोला मैंने, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है ना। ऐसे दो फिगर जिनकी सेम शेप हो और सेम साइज हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। क्या बोला आपने, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, हम दो फिगर को है ना क्या बोल सकते हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, इफ दे हैव सेम शेप, सेम शेप एंड सेम साइज। देखो क्या बोल रहे हो आप लोग, कि हम दो फिगर को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, कब, जब उनकी क्या हो, शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपके लिए इतना सा है, सेम शेप और सेम साइज, है ना। ऐसे दो फिगर जिनकी क्या हो, सेम शेप हो
और सेम साइज हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे देखो यार मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो कितने के पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या नाम है इसका, ए बी सी और डी। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और स्क्वायर बनाया, ठीक है ना, इसका नाम है पी क्यू आर एस। क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस। इसकी जो साइड है वो भी कितनी है के पास, 3 है। ठीक है, देखो यार अगर हम इन दोनों की बात करें, सेम शेप है, ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, दोनों की शेप जो है वो कैसी है के पास, सेम है। अगर हम साइज की बात करें तो इसकी साइज कितनी आ रही है ना, साइड कितनी है, 3। इसकी सारी साइडें 3 हो गई, इसकी साइडें भी कितनी हो जाएगी, सारी साइडें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों फिगर की बात करें तो इनकी क्या है, सेम शेप और सेम साइज है। इसका मतलब ये कैसे हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर ए बी सी डी है ना, वो क्या है, इस कॉन्ग्रुएंट, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है के इसके स्क्वायर पी क्यू आर एस के। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है वो क्या है, इस पी क्यू आर एस के, है ना, इस स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए आप चाहो तो ये वाला सैम्बल यूज में देते हैं। ठीक है ना, हम कॉन्ग्रुएंट को मोस्टली ना, कॉन्ग्रुएंट को किससे दिखाते हैं, इस वाले सैम्बल से दिखाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब ऐसे देखो, अगर मैंने बोला कि और एग्जाम्पल बताओ, ठीक है ना, किसके, कॉन्ग्रुएंट फिगर के। तो देखो मैंने क्या कहा कि एक सर्कल बनाया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितने के पास, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और सर्कल बनाया, इसकी रेडियस भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, बात क्लियर है। अगर हम इन दोनों सर्कल की बात करें, है ना, इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है, है ना। अगर हम देखें इसकी तो सेम शेप है, ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है, शेप क्या है दोनों की, सेम है। अगर साइज की बात करें दोनों की साइज भी क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। कौन से फिगर हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो गए। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंट को हम कैसे दिखाएंगे, है ना, इसे नोट करते हैं। ये किसका सिंबल हो गया आपके लिए, कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, अब सुनो, देखो यार सबसे पहली बात क्लियर हो गई बात कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे दो फिगर जिनकी क्या हो, सेम शेप हो और सेम साइज हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना, अगर मैं इस स्क्वायर को उठाऊं यहां से और इसके ऊपर रख दूं, ठीक है ना, तो ये क्या कर लेगा, इसको कंप्लीट ओवरलैप कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको कंप्लीट ओवरलैप कर लेगा, है ना, बिल्कुल, है ना, ये वाला स्क्वायर इसको बिल्कुल ढक लेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ढक लेगा, कंप्लीट पता ही चलेगा आपको, लगेगा कि एक ही स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट ओवरलैप। अगर कोई फिगर किसी को कंप्लीट ओवरलैप कर लेता है ना, तो वो क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। आप इस तरीके से सिंपल बता सकते हो, ऐसे अगर मैं इस सर्किल को उठाकर इसके ऊपर रखूं, है ना, तो दोनों मेरे लिए एक हो जाएंगे। अगर मैं उनको देखूंगा, है ना, तो एक ही दिखाई देंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया, आपस में क्या हो गया, ये वाला फिगर इस फिगर को क्या कर लेगा, कंप्लीट ओवरलैप कर लेगा। ठीक है ना, तो ये भी कैसे हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। जैसे देखो, अगर मैंने इस हैंड के ऊपर ये वाला हैंड रखा है, ठीक है ना, ये क्या कर लिया, कंप्लीट ओवरलैप कर लिया बिल्कुल, देखो आप सब जगह से। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इधर, अब हम हमारे को जो पर्पज है हमारा, वो क्या है, हमारा पर्पज ट्राइंगल के अंदर है। अब हम क्या सीख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हमें क्या करना है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंस करना है किसको, ट्राइंगल को। ठीक है ना, तो देखो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो इधर सबसे पहला क्राइटेरिया था के पास, ठीक है ना, देखो इधर कौन कौन सी क्राइटेरिया के पास, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, देखो पहला रूल क्या है, एस एस एस, इसका मतलब क्या हो गया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। जब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, है ना, तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, सेकेंड रूल आता है के पास, एस ए एस, है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना, एस का मतलब साइड, एंगल साइड, ए का मतलब क्या है यहाँ पर, एंगल। ठीक है ना, अब इसमें क्या कंडीशन है कि एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा इन दोनों साइडों के मिडिल में होना चाहिए, है ना।
ठीक है ना, मतलब इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तभी इसका रूल का नाम क्या होगा, SAS कॉन्ग्रेंस रूल होगा। ठीक है, थर्ड आता है के पास ASA कॉन्ग्रेंस रूल, कौन सा आता है के पास ASA कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो साइड है ना वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों एंगल्स के बीच में होनी चाहिए, तभी इसका नाम क्या होगा ASA कॉन्ग्रेंस रूल होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब ऐसे ही हमारे पास फोर्थ रूल है AAS कॉन्ग्रेंस रूल, है ना, दो एंगल के बाद में क्या आनी चाहिए के पास, एक साइड आनी चाहिए, है ना, दो एंगल के बाद में क्या आनी चाहिए, एक साइड आनी चाहिए, तभी इसका नाम क्या होगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल होगा। ठीक है, और फिफ्थ आता है के पास RHS, कौन सा आता है के पास RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है ना, देखो इधर ये जो RHS है ना कॉन्ग्रेंस रूल है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, किसमें लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, पहली बार किसमें लगेगा हमेशा ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगेगा। ठीक है ना, और इसके लिए क्या कंडीशन है कि हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं कि हाइपोटेनस और कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी उसका नाम क्या होगा RHS कॉन्ग्रेंस रूल होगा। ठीक है ना, अब देखो कौन कौन से रूल नहीं होते, पहले ये समझना है कि भाई आपके पास कौन कौन से रूल होते हैं। पहला रूल क्या है SSS कॉन्ग्रेंस रूल, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। सेकंड कौन सा होता है आपके पास SAS कॉन्ग्रेंस रूल, है ना, इसका मतलब क्या हो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है ना, थर्ड कौन सा होता है आपके पास ASA एंगल साइड एंगल। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो साइड है वो दोनों एंगल के मिडिल में होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी उसका नाम क्या होगा ASA कॉन्ग्रेंस रूल होगा, है ना। फोर्थ कौन सा रूल है आपके पास AAS कॉन्ग्रेंस रूल, है ना, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, है ना, दो एंगल के बाद में क्या आनी चाहिए एक साइड आनी चाहिए, है ना, तभी इसका नाम क्या होगा AAS कॉन्ग्रेंस रूल होगा। और पांचवा कौन सा आपके पास RHS कॉन्ग्रेंस रूल, ये किसमें लगाते हैं RHS, बोलो किसमें लगाते हैं ये वाला रूल, राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, हाइपोटेनस और कोई सी भी एक साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाके कौन सा रूल बनेगा RHS कॉन्ग्रेंस रूल बनेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या बात कर रहे थे कि कौन कौन से कॉन्ग्रेंस रूल नहीं होते, पहले इसकी बात करते हैं। देखो इधर SSA कॉन्ग्रेंस रूल, है ना, ये रूल नहीं है हमारे लिए, है ना, समझ लो बात। और ऐसे ही AAA, ठीक है ना, ये भी कॉन्ग्रेंस रूल नहीं होता है ना, बात क्लियर है, कौन कौन से रूल नहीं होते, SSA कॉन्ग्रेंस रूल, है ना, साइड साइड एंगल, है ना, ये आपका कोई रूल नहीं है, है ना, और AAA AAA ये भी कोई रूल नहीं होता है, है ना, हमारे पास कॉन्ग्रेंस करने के लिए। ठीक है ना, ये हमारे पास पांच क्राइटेरिया बताए, आप किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, है ना, इन पांच कैटेगरी से, है ना, या इन पांच क्राइटेरिया की हेल्प से। ठीक है, बात क्लियर है।